नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिलेबस की, जो हम शुरू कर रहे हैं पेपर नंबर 6, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाला। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ चुका है। चलिए तो देखो, शुरू करते हैं हम। पेपर नंबर 6 हमारा है ये, और हम सिलेबस का देख लेते हैं क्या सिलेबस हमें पढ़ना है इस पेपर के अंदर। ओके, सही चल रहा है भाई? स्ट्रीम सही है, स्पीड भी सही है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम। देखो, सिलेबस जो है, सिलेबस से हमें ये पता चल जाता है कि हम जो है पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, सिलेबस हमें ये बता देता है कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे, इसके बारे में सिलेबस हमें बताएगा। ठीक, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस का इंट्रो है। पेपर है हमारा 6, और पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है, और डेली क्लास आएगी। आज थोड़ा सा हम लेट है, 8 बजे आपकी क्लास ये वाली आने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से कनेक्ट करिए, जुड़ जाइए। अच्छा, एक चीज़ और है ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, कि जिन लोगों ने कॉम्बो ले रखा है उनके 2 क्लास आएंगी, और जिन लोगों ने सिंगल पेपर ले रखा है उनके ये वाली क्लास सिंगल पेपर में भी आएगी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर, आ जाइए। तो देखो, सबसे पहले यूनिट जो है हमारी, क्योंकि ये यूनिट वाइज सिलेबस है अपना, तो सबसे फर्स्ट जो यूनिट है वो है आपकी माइक्रोबायोलॉजी की। पहली और दूसरी यूनिट, 2 यूनिट जो रहेंगी वो माइक्रोबायोलॉजी की रहेंगी, 2 यूनिट जो रहेंगी वो पैथोलॉजी की रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट तो बहुत सिंपल है, और यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 1 आपको डेफिनेटली मिलेगा, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे। देखो, पहले तो क्या है, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, मतलब हिस्ट्री पढ़नी है हमें। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की क्या हिस्ट्री रही है ये पढ़ना है। अब इसमें ये लैंडमार्क्स है, लैंडमार्क्स का मतलब हम उस तरह की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी अलग टाइप की हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके अंदर, लेकिन रहेगी हिस्ट्री कुल मिलाकर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्किबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। देखो, ये जो आर्किबैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है ना, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आर्किबैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है, आर्किबैक्टीरिया का जनरल अकाउंट, उसकी स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन क्या है, वो सारी चीज़ जो है आर्किबैक्टीरिया में से पूछी जा चुकी है। मेनली इसकी स्ट्रक्चर ही पूछते हैं, और कौन कौन से प्रकार के आर्किबैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं, इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आर्किबैक्टीरिया वाला क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फिर आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब जो जनरल बैक्टीरिया है हमारे, वो आते हैं यू बैक्टीरिया में। और यू बैक्टीरिया में हमसे इसके जो है कैरेक्टर्स, जनरल अकाउंट में बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर फर्स्ट में पूछ लिया जाता है, स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, इसका न्यूट्रिशन भी पूछा जा चुका है, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया का, यहाँ से भी प्रश्न बनता है हमारा। ठीक है, बट लेकिन बहुत कम प्रश्न यहाँ से हमारा बनता है। मेनली इसका है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यहाँ से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, बड़ा वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन ना तो हमसे हिस्ट्री में पूछा जाएगा, केवल एक आर की बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, या आपसे यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो बनता है साइनो बैक्टीरिया से। ठीक है, यहाँ पर साइनो बैक्टीरिया जो कि वास्तव में एल्गी है, लेकिन बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये साइनो बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाएगा, इसकी फीचर है, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन बन जाते हैं मोटे, बड़े वाले जो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आर्किबैक्टीरिया वाला क्वेश्चन बनता है बड़ा वाला, एक दूसरा साइनोबैक्टीरिया वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यू बैक्टीरिया में से हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब देखो, क्वेश्चन तो कोई सा ही पूछा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ यही पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर वो इस बैक्टीरिया वाले चैप्टर में से आपको क्वेश्चन नहीं देता, देखो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ये वाला फर्स्ट जो पार्ट है ना, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है ये वाला, बैक्टीरिया से। ठीक है, दूसरा वाला जो पार्ट है वो रिलेटेड है आपका किससे, वायरस से, ये वाला पार्ट वायरस से रिलेटेड है। ठीक है,
ये वाला जो तीसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा, ये फाइटोप्लाज्मा वाला पार्ट जो है आपका माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे कितने तीन पार्ट है फर्स्ट यूनिट के। अब तीन पार्ट में से तीन क्वेश्चन आप मान के चलिए, दो क्वेश्चन आराम से आपको मिलेंगे। देखो वायरस की बात करें तो वायरस में से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कैरेक्टर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वायरस की स्ट्रक्चर से पूछा 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 जाता है, ठीक है। आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। केमिकल नेचर से वायरस का जो रेप्लिकेशन है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस छोटे क्वेश्चन आएंगे, साइनोफेज छोटा क्वेश्चन है, और वायरस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वायरस की मेन चीज़ जो है वो क्या है, एक तो स्ट्रक्चर पूछी जाती है हमसे, रेप्लिकेशन पूछा जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत ही कम पूछा गया है, तो यहाँ से हमारे दो मेन पॉइंट जो बनते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन वाला, ठीक है। ये दो मुख्य पॉइंट बनते हैं, तो ये यहाँ से बनेंगे हमारे, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है इसी का ही वो है फाइटोप्लाज्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। फाइटोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन पूरा का पूरा आ जाता है, रोल एंड काजिंग प्लांट डिजीज, कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट पूछा भी गया है दो बार, तो ध्यान रखेंगे हम इसके बारे में, फाइटोप्लाज्मा के बारे में। तो ये थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा ही चैप्टर है एक कंप्लीट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका 20 नंबर का 100% श्योरिटी के साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, यूनिट नंबर फर्स्ट की, क्लियर। देखो पहला बैक्टीरिया से रिलेटेड है, दूसरा वायरस से, और तीसरा जो पार्ट है इसका यूनिट फर्स्ट का वो फाइटोप्लाज्मा से। इसका मतलब में बैक्टीरिया के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वायरस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और माइकोप्लाज्मा के अंदर भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ते हैं पूरी यूनिट को, तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं, दो में से एक क्वेश्चन आपको, दो मिलेंगे, दो में से आपको एक करना है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ यूनिट दो पे। देखो यूनिट दो में भी हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सेम वैसे ही बनते हैं जैसे हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर बनते हैं, जैसे कि स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, इंडस्ट्री, फूड पोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो यहाँ से ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, ठीक है। रोल इन एग्रीकल्चर, माइक्रोब्स का एग्रीकल्चर में रोल, इंडस्ट्री में रोल, फूड में रोल, ये सब पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाला जो है क्वेश्चन ये बनता है, और ये वाला क्वेश्चन बनता है, तो दो लाइन वाला क्वेश्चन यहाँ से हमारा ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद में जनरल अकाउंट की बात करें अपन, तो इम्यूनिटी, एलर्जी, ये इसके अंदर जो भी चीज़ है ना वो है तो माइक्रोबायोलॉजी की, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, इसका पार्ट है इम्यूनोलॉजी का। और यहाँ से छोटे छोटे शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है। देखो एक तो इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एंटीजन एंटीबॉडी की जो संरचना है, एंटीबॉडी की संरचना, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ना, एंटीबॉडी की जो संरचना है, ये किसी भी आप कंपिटेटिव एग्जाम में जाओगे, रिटर्न टेस्ट वहाँ पर हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा आपका, CSIR नेट में भी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फंक्शन एफिनिटी, एंटीबॉडी स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, स्पेसिफिसिटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। इनके यूज और एंटीबॉडी इंजीनियरिंग क्या है, सीरोलॉजी टाइप टाइप ऑफ वैक्सीन, ठीक है। और बायोफिल्म क्या है, देखो छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं शॉर्ट नोट, बायोफिल्म, बायोचिप, बायोसेंसर और बायोसर्फेक्टेंट, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे वाले। बड़े वाले क्वेश्चन तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। इम्यूनिटी पर एक लेख लिखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एलर्जी पर एक लेख लिखिए, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बताइए, ठीक है। एंटीबॉडी की संरचना बताइए, स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बताइए। तो जो मैंने ऐसे डबल गोले में कर रखे हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं वही। तो ये हुआ हमारा पेपर नंबर, सॉरी यूनिट नंबर दो, ठीक है। तीसरी यूनिट जो है हमारी वो है प्लांट पैथोलॉजी की, ठीक है। अब देखो पैथोलॉजी में एक तो आता है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, ये आपका आएगा। इसके बाद में डिजीज कैसे होती है, जनरल अकाउंट ऑफ डिजीज, ठीक है, काज बाय प्लांट पैथोजन, जो पादप रोग जनक है उनके द्वारा जो डिजीज कोज की जाती है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी इसके अंदर आपको। पैथोजन अटैक एंड डिफेंस मैकेनिज्म, पैथोजन कैसे अटैक करता है और उसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, यहाँ से प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बनता है, ठीक है।
फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिकुलर एस्पेक्ट्स में डिफेंस मैकेनिज्म पूछा जाएगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की साइज तो बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, ठीक है। स्टीरियोस्कोप में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिजीज प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे अलग टाइप से, इस तरह के क्वेश्चन ना होके कुछ दूसरे क्वेश्चन रहेंगे, मतलब रहेंगे तो यही टॉपिक यही रहेंगे आपके, लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा इस यूनिट में से थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें आ जाता है अपना दूसरा पार्ट, प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है, पीडीएम, इसको बोलते हैं हम पीडीएम, प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें मेन जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो होता है केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पैथोजन, ठीक है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। यहाँ तो केवल इतना लिखा है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट केमिकल एंड बायोलॉजिकल, लेकिन ये क्वेश्चन क्या आता है, केमिकल कंट्रोल ऑफ द पैथोजन, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पैथोजन, इसे, ठीक है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीएम सिस्टम वाला है, हर साल आता है, शॉर्ट नोट, एक बार भी ऐसा साल नहीं गया हो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो, मतलब ज्यादा बार क्वेश्चन आता है आईपीएम का, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक्स, ये क्वेश्चन आ जाता है। बायोपेस्टिसाइड वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाएगा। प्लांट डिजीज क्लिनिक्स, शॉर्ट नोट है, कभी पूछा नहीं गया है, एक दो बार कभी पूछा गया हो तो, ठीक है। प्रिलिमिनरी अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, इन प्लांट पैथोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का क्या काम है प्लांट पैथोलॉजी में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो मैंने गोले गोले में कर रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनका ध्यान रखेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ना तो हमें सारा ही है, लेकिन फिर भी जिसको मैंने गोले में किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तो ये हुई यूनिट 3, और लास्ट एंड फाइनल यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में जो इम्पोर्टेंट है वो है सिम्टेमेटोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है। अब सिम्टम, सिम्टम जो दिखते हैं हमें प्लांट के ऊपर, क्या उस रोगजनक के जो भी लक्षण दिखाई देते हैं उनको उनको बोलते हैं सिम्टम, ठीक है ना, और उसका जो अध्ययन होता है उसको वो कहलाता है सिम्टेमेटोलॉजी, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन और कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज, अब कौन कौन सी प्लांट डिजीज है हमारे पास में, एक तो है गेहूं के अंदर रस्ट, स्मट और बंट, ठीक है, 3 डिजीज है। बाजरे के अंदर भी हमारे पास में 3 डिजीज है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, अरगठ ऑफ बाजरा और स्मट ऑफ बाजरा, और क्रूसीफर के अंदर जो सरसों के अंदर होता है रस्ट रोग वो है, ठीक है। तो यहाँ पर रस्ट 2 बार है, मतलब 2 बार रस्ट पढ़ेंगे अपन, स्मट, बंट, अरगठ, ग्रीन ईयर डिजीज और स्मट, 2 बार स्मट है, 2 बार रस्ट है, ठीक है। लेकिन किसके अंदर, वीट के अंदर, बाजरा के अंदर और क्रूसीफर के अंदर। अब देखो इनमें से हर साल बदल के क्वेश्चन आता है, मतलब हमें सारा ही पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, मतलब वीट वाला भी इंपॉर्टेंट है, वीट के तीनों डिजीज, बाजरे की भी और क्रूसीफर की भी, बदल बदल के पूछा जाता है, कभी रस्ट आ जाता है, कभी स्मट आ जाता है, कभी बंट आ जाता है, ठीक है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। इसके बाद में यहीं से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और हर साल बदल के क्वेश्चन आता है, तो ये वेरिएबल यूनिट है, इसमें हम ये कह नहीं कह सकते शॉर्ट से कि यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो पेडी, पेडी ब्लास्ट, ठीक है, कॉटन विल्ट, ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। अब डाउनी मिल्ड्यू एक साल आ गया तो दूसरे साल पाउडरी मिल्ड्यू दे देते हैं, फिर कॉटन विल्ट दे देते हैं, फिर पेडी ब्लास्ट दे देते हैं, 4 साल ऐसे गुजर जाते हैं, 5वें साल में कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल यूनिट है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे इंपॉर्टेंट है इसके एक एक पॉइंट, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज के अंदर वीट, अभी देखो वीट यहाँ पर है, जो है फंगल डिजीज है वीट की, ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज है वीट की, यहाँ पर एक तो वीट का हो गया टंडू रोग और दूसरा हो गया सिस्टर्स कैंकर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं ना, वो यहाँ पर है आपका वायरल डिजीज, वायरल डिजीज में टोबेको मोजेक वायरस, भिंडी का येलो मोजेक वायरस, तो टीएमवी के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्लाज्मा डिजीज के अंदर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये पूछा जाता है आपसे, प्रैक्टिकल में भी है ये। निमेटोड डिजीज में से रूट नोट ऑफ वेजिटेबल, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वेजिटेबल में रूट नोट डिजीज के बारे में बताइए, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोबेको मोज़ेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टंडू रोग जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इधर डाउनी पाउडरी मिल्ड्यू ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग ये यूनिट जो है अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी अब जो पढ़ेंगे ना अपन, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, और इतनी सीधी है कि अगर आपने इसको एक पार्ट भी इसका पढ़ लिया फंगल डिजीज वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बैक्टीरियल डिजीज में क्या लिखना है, वायरल डिजीज में क्या लिखना है और फाइटोप्लाज्मा डिजीज में क्या लिखना है, मतलब किस तरह के लक्षण होते हैं, वही लक्षण दिखने हैं, ठीक है। वायरस के द्वारा किस तरह के लक्षण होते हैं, फंगस के द्वारा किस तरह के लक्षण होते हैं और बैक्टीरिया के द्वारा किस तरह के लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर में शो होते हैं वही सभी डिजीज में लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। अब वो प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लांट स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है और
पैथोजन की स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने यूनिट हो गए भाई, 4 यूनिट हो गए। तो ये हमने आज शुरुआत कर दी है इस पेपर की, पेपर नंबर 6 की। कल से आप लोगों के पास में सेम टाइम पे सेम क्लास आपको अवेलेबल होती रहेगी। तो डेफिनेटली आपको अटेंड करना है लाइव क्लास को। लाइव क्लास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है, ताकि आपके डाउट्स जो है ऑन द स्पॉट आपके क्लियर कर दिए जाएं। हालांकि आपको ये सारी जो भी क्लासेज है ये मिलेगी ऑफलाइन, ठीक है। जब भी आप, अगर उस समय आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लाइव क्लास के समय आप चाहें तो अटेंड करें, ना करेंगे तब भी आपको ये किसमें मिलेगी, ऑफलाइन में आपको सेव मिलेगी, ठीक है। तो आप उस समय भी पढ़ सकते हैं, पर हो सके तो ज़रूर लाइव क्लास को अटेंड करें। हर क्लास हमारी लाइव ही आती है, ठीक है भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और स्टार्टिंग करेंगे हम हमारे इस टॉपिक से। इसका नाम है इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे हम, माइक्रोबायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो आप ज़रूर नेक्स्ट क्लास में दोबारा से फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।